दोस्तों, भारत और चीन की सीमा पर लगा हुआ एक सुंदर सा देश है भूटान। यह देश बाहरी दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली की तरह है। दोस्तों, भूटान में पहले विदेशियों को घुसने तक नहीं दिया जाता था और अब भी एक तय सीमा के अंदर ही कुछ पर्यटक ही भूटान जा पाते हैं। दोस्तों, भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती तो है, पर वो पूरी तरह से बंद है। इस छोटे से हिमालय देश के बारे में विदेशी भी बहुत ही कम जानते हैं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भूटान के कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भूटान के बारे में आपको बहुत ही हैरान कर देने वाली बातों के बारे में पता चलेगा। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लें, साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। दोस्तों, भूटान के राजा जिग्मे केशर नामग्येल वांगचुक हैं। ये किसी भी देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू शहर है, जो भूटान के पश्चिमी केंद्रीय भाग में स्थित है। साथ ही थिम्पू शहर भूटान का सबसे बड़ी सिटी भी है। इस शहर को पहले थिम्पू नाम से जाना जाता था। भूटान का अधिकांश भाग पहाड़ी भूमि पर स्थित है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते हैं और यहाँ पर रहने वाले मूल निवासी हमेशा जंगल बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनका ये मानना है कि धरती पर 60% जंगल होने ही चाहिए। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि भूटान ने 1974 तक विदेशियों के घुसने पर पाबंदी लगा रखी थी। 1979 के अंत में पहली बार विदेशी पर्यटकों को यहाँ घूमने की आज़ादी मिली, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या सीमित रखती है और दक्षिणी एशिया के बाहर से आने वाले लोगों से $250 यानी 18,500 रुपए प्रति दिन के लेती है। वैसे तो भूटान के पास अपनी थल सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरे होने की वजह से इनके पास खुद की नौसेना नहीं है। साथ ही भूटान के पास खुद की वायु सेना भी नहीं है और इन दोनों क्षेत्रों में भारत ही उनका ख्याल रखता है, उनकी रक्षा करता है। टीवी और इंटरनेट पर बैन। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, भूटान ने साल 2001 से पहले टीवी रखने और इंटरनेट चलाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। यहाँ एक ही राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर पहली बार चुनाव साल 2008 में करवाया गया था। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत ही है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। भूटान दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसने सन 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, पर शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। कई वजह से भूटान अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड्स में सबसे आगे चल रहा है। प्लास्टिक की थैलियां तो भूटान ने सन 1999 से ही बैन कर रखी हैं और तंबाकू पूरी तरह से गैर कानूनी है। दोस्तों, भूटान ने ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं रखे। इस देश ने अपनी संस्कृति और प्रकृति को बचाए रखने के लिए विश्व भर के देशों से रिश्ता ही नहीं रखा। मानिए आप किसी शहर में घूम रहे हैं, जैसे दिल्ली आगरा। अगर आपको दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट ना मिले तो आप चौंक जाएंगे, साथ ही गाड़ी चला पाना भी मुश्किल हो जाएगा। पर भूटान की राजधानी थिम्पू में ट्रैफिक लाइट्स के बदले ट्रैफिक ऑफिसर्स या केवल ट्रैफिक पुलिस होती है। कुछ साल पहले यहाँ की सरकार ने सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स लगवाई भी थी, पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर इन्हें हटवा दी। भूटान की लगभग 70% आबादी युवा आबादी बेरोजगार है और जीडीपी के मुताबिक यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। भूटान एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है, जिसका अर्थ है ये जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद करता है उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, और ऐसा होता है यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण। भूटान में लोगों की खुशी जीडीपी पर हावी है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भूटान जीडीपी को आर्थिक वृद्धि और विकास का संकेतक नहीं मानता। इसने दुनिया के सामने एक और माप पेश किया जिसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के रूप में माना जाता है। सिर्फ भारतीयों के लिए भूटान जाने पर पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, पर परमिट लेना पड़ता है, और भारत के नागरिकों से $250 का प्रवेश शुल्क भी नहीं लिया जाता। भूटान में समलैंगिक संबंध बनाने को जुर्म माना जाता है और इसके लिए 1 साल तक की सजा भी दी जाती है। भूटान में महिलाएं परिवार की मुखिया होती हैं और दुकानों से लेकर खेती तक सभी व्यवसाय संभालती हैं। यहाँ तक कि वहाँ की महिलाओं को विरासत में संपत्ति भी मिलती है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु ताकिन है, जो दिखने में बकरी और हिरण की तरह लगता है।
गंगखर उंगसुम्ब भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है और इस पर अभी तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। इसकी ऊंचाई 7,570 मीटर है। यहाँ के लोगों की मान्यता यह है कि यह काफी पवित्र पर्वत है, इसीलिए 1887 के बाद यहाँ पर किसी को भी जाने की आजादी नहीं मिली।